हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज क्लास हम लोग करने वाले फिर से एक बार एयरफोर्स ग्रुप वाई रगा स्पेशल रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, ठीक है ना। और ये जो आप लोग बोल रहे हो 500 क्वेश्चन बताओ, जैसे पिछली बार हुआ था कि मतलब टॉप 5 वैलिड क्वेश्चन हमने निकाला था, तो उस पे और इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब अगर इसी को मैं बोल दूँ कि टॉप 500 क्वेश्चन है तो बात वाला थोड़ी बन जाएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे गाइस। और आज के मतलब सीरीज में अगर आपने 10 में से 10 सही कर दिया तो एग्जाम के सारे रीजनिंग सही करोगे, क्योंकि लेवल अच्छा है। और अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सही कर दिया तो ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बना रहे हैं, ठीक है, तो फिर गलत बात है। वो कोशिश करो कि फर्स्ट टाइम में सही हो जाए, और कोशिश करो कि डेली कंटिन्यू ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाई गई, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाने से आपकी जो है ना एक्यूरेसी सुधरेगी। कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा सही करने की आदत बन जाएगी और कम टाइम के अंदर ज्यादा क्वेश्चन करोगे। सबसे बेस्ट गाइड है अभी परीक्षा। परीक्षा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। एग्जाम में मात्र 10 दिन से भी कम टाइम बच गया है आपके, तो कोशिश करो गाइस, किसी किसी का 10 दिन भी है, वो लोग ऑनलाइन टी सीरीज परीक्षा पे ज्यादा से ज्यादा लगाओ, ठीक है। तो परीक्षा ऐप पे अगर आप एग्जाम में 50 कोड यूज करते हो गलिए पे एडवांस के ऑप्शन पे, तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। और 90% से भी ज्यादा बच्चे, 95% बच्चे एयरफोर्स के परीक्षा पे टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तो उनके बीच में क्या रैंक है आपको ये पता चल जाएगा। फिलहाल चलो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। एम एल ओ है तो 12 111 4 लिखा है, मतलब एम एल ओ को लिखा है 12 111 4। अच्छा, एम कितने नंबर पे होता है? 13 नंबर पे होता है, ठीक है। आप वीडियो को देखो, सॉल्यूशन जब मैं बता रहा हूँ तो वीडियो को रोक के डायरेक्टली सॉल्व कर दिया करो, ठीक है। तो वीडियो मतलब 13 में से एक क्या 12 बचेगा, एल 12 नंबर पे होता है, इसमें से एक माइनस कर दो 11 बचेगा, ओ 15 नंबर पे होता है, एक माइनस कर दो 14 बचेगा। देखो यही है ना, 12 11 14 आ गया। उसी तरीके से क्यू जे एंड एल में क्यू होता है 17 नंबर पे, जे होता है आपका कितने नंबर पे, 10 नंबर पे, ठीक है। और आपका ये एल होता है 12 नंबर पे। सब में से -1 -1 -1 कर देंगे तो आपको 16 09 एंड यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। तो आ गया ना, कितना हो गया, 16 09 और 11, राइट आंसर आपका यहाँ पे आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया गाइस आपको, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो गया इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। यदि प्लस का मतलब, प्लस को यहाँ पे डिवाइड कहा जा रहा है, डिवाइड को यहाँ पे क्या जा रहा है माइनस, और माइनस को कहा जा रहा है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को कहा जा रहा है प्लस, तब जाके सॉल्व करो 8 4 3 5 9, ठीक है। 8 के बाद प्लस है तो प्लस का मतलब डिवाइड कर दो, डिवाइड का मतलब क्या है माइनस कर दो, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है, और माइनस का मतलब क्या है मल्टीप्लाई है। ये 4 × 8 कट जाएगा, 2 − 3 प्लस में 45, ये हो गया 47 −3 = 44, राइट आंसर क्या हो गया गाइस, ऑप्शन नंबर ए। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ना तब जाके आप वीडियो को रोक के सॉल्व किया करो, ठीक है। वैसे दोनों को इनका टाइम बचेगा, मेरा भी आपका भी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। यहाँ पे ए है डैश डबल ए डबल बी डबल डैश ए बी डैश बी डैश। अब देखो गाइस वीडियो को रोक के जरा दिमाग लगा, मैं बताता हूँ। ए है डैश है ए डबल ए बी बी डैश डैश ए बी डैश बी डैश। अगर गाइज यहाँ पे हम लोग ये देखे, देखो ये डबल बी है डबल बी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ए बी कर दी है तो ए बी सिंगल सिंगल हो गया, ये डबल डबल हो गया, हमने बी किल किया पहले, फिर यहाँ पे ट्रिपल ए कर दिया हमने, देखो डबल ए भर के ये ट्रिपल ए बन गया, फिर यहाँ पे क्या करेंगे ट्रिपल बी बनाओ, तो ट्रिपल बी बन गया यहाँ पे बी कर दिए, तो बाकी फिर सीरीज होता कंटिन्यू होते रहेगा, ए फिल कर दो आगे जो होना होगा होते रहेगा। तो इस तरीके से क्या बन गया BAA BAA, ठीक है। कहने का मतलब पहले ए बी फिर डबल ए डबल बी फिर ट्रिपल ए ट्रिपल बी फिर अपना सीरीज आगे कंटिन्यू होगा, तो ए से ही स्टार्ट होगा वो, ऑब्वियस है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन 4 देखो, फाइंड द ऑड, कहने का मतलब दिए गए विकल्पों में से जो है विषम को चुनो, 11 20 38 5 8 16 22 42 32 3 4 6 में से कौन डिफरेंट है। तो वीडियो को रोके जरा ध्यान, तो मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, अगर 11 × 2 क्या होता है 22, 22 में से 2 गया 20 बचेगा, ठीक है। अब 20 × 2 क्या होता है 40, 40 में से 2 गया 38 बचा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है गाइस, 5 − 10 कितना होता है, सॉरी 5 − 2 कितना होता है 10, नहीं यहाँ पे 2 करना है, 2 हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया बचेगा 8। अब 8 − 2 क्या होता है 16, तो यहाँ पे 16 को 16 ही लिख दिया गया, ठीक है। अब आगे देखो, हम आगे भी करके देख लेते हैं, पूरा कर ले गाइस, आगे भी जब देखोगे 22 × 2 क्या होगा 44 44 में से 2 गया 42 मिल गया, देखो है ऑप्शन सी में। फिर 42 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84 84 को -2 करोगे तो 82। अब देखो यहाँ पे 82 है, वही काम किया है डी में भी, 3 × 2 = 6 − 2 = 4 4 × 2
फोर इंटू टू इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो 2 घटाओ, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 घटाओ। बट ऑप्शन नंबर बी इसको फॉलो नहीं कर रहा, हमको यहाँ पे 16 माइनस 2 करके 14 लाना था, जो कि यहाँ पे 16 है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो है डिफरेंट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोल रहे हैं किसी कोड भाषा में कैमल को XPOCT और रैबिट्स को YPUULFZ लिखा जाता है, तो अमेरिका को क्या लिखेंगे? तो वीडियो को रोक के जरा अमेरिका को घूम के आओ, क्या होता है भाई अमेरिका में, क्या चल रहा है इस समय, तो वीडियो को रोक के सॉल्व करो। देखो गाइस यहाँ पे अगर मैं सोल्यूशन बताऊं तो अमेरिका में देखो क्या है, अमेरिका के स्टार्टिंग में भी है और एंड में भी है। ठीक है, ऑब्वियस है कि ए को जो चीज कोड करेगा, मान लो कुछ भी है, तो उसके एंड में भी वही चीज होगा और शुरुआत में भी वही चीज होगा। ठीक है, तो हम बिना उसको देखे ही हम डायरेक्ट आंसर कर सकते थे डी, क्योंकि देखो अमेरिका के स्टार्टिंग और एंड में ए था, तो इसी में जो स्टार्टिंग में पी और एंड में भी पी है, बाकी कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी के स्टार्टिंग वाले और एंड वाले एक जैसा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग डी। बट अब आते हैं हम लोग, मतलब कुछ रूल होना चाहिए ना, कुछ मेथड होना चाहिए। तो देखो इसमें अगर कैमिल को लिखा गया है XPOZT, ठीक है, तो ए को पी लिखा गया है, तो ठीक है अमेरिका के ए को हमने पी लिख दिया, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अब फिर एम अमेरिका में फिर एम आ रहा है, तो एम को ओ लिखा गया, तो ठीक है भाई यहाँ पे पी के बाद ओ भी है, क्लियर है ना। अब देखो गाइस यहाँ पे अगर हम बात कर ले, फिर ई है, तो ई को जी लिखा गया, तो देखो पी ओ जी है। इस तरीके से देखिए अगर हम, तो रैबिट्स वाले को भी लिख लो, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, रैबिट्स को भी लिख लो YPWLFZ है। तो अभी क्या बोल रहे हैं, अमेरिका में ई के बाद आर है, तो आर को बाई लिखा गया, तो देखो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी में भी बाई लिखा गया है। एल को क्या लिखा गया गाइस, एल को देखो कैमल के टी लिखा गया है, कैमल में ठीक है ना, कैमल में देखो टी लिखा गया है एल को, तो अमेरिका में तो एल है नहीं, आई को पूछा जा रहा है गाइस, आई को एल लिखा गया है। ठीक है, तो देखो डी में भी वाई के बाद एल है, देखो एल के बारे में नहीं पूछा जा रहा। देखो मैं इसको जरा साफ कर दूं तब समझ में आएगा भाई ये क्या कर दिया खिचड़ी आपने। देखो अभी यहाँ पे अमेरिका में आई को जो है क्या लिखा गया है, मतलब अमेरिका में आई को क्या लिखेंगे, तो आई को देखो रैबिट्स में एल लिखा जाता है, तो यहाँ पे वाई के बाद एल लिखा गया, लिख रहा ना, उसी तरीके से कंप्लीट सीरीज चलेगा और यहाँ पे डी आंसर राइट हो जाएगा। कोई भी मेथड यूज कर सकते थे। क्वेश्चन सी क्या बोल रहा है, सीमा उत्तर की ओर 30 मीटर चलती है। ठीक है, अब वीडियो को रोके इसको सॉल्व करो, डायरेक्टली मैं सोल्यूशन करता हूँ आपको। नॉर्थ डायरेक्शन में 30 मीटर चलो, फिर वहां से वो राइट मुड़ जाती है और 30 मीटर जाती है, तो यहाँ से राइट इधर होगा 30 मीटर चलेगी, यहाँ से फिर लेफ्ट मुड़ेगी, ठीक है, मतलब फिर राइट ही मुड़ रही है वो, राइट और मुड़ती है और 55 जाती है। ठीक है, अगेन सी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 55 मीटर, तो 55 मीटर तो ज्यादा नीचे चली जाएगी वो। ठीक है, अभी क्या कह रहा है वो, फिर वह बाई मुड़ती है, तो लेफ्ट किधर होगा, जब वो साउथ में जा रही है तो लेफ्ट अपना इधर ही होगा, और लेफ्ट डायरेक्शन में 20 मीटर चलती है। ठीक है, फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़कर 25 मीटर, तो 25 मीटर यहाँ तक चलेगी। अब देखो गाइस ये वाला पार्ट यहाँ तक कितना है, 30 मीटर है, और नीचे वाला 25, तब जाके 30 और प्लस क्या है 25 जोड़ेंगे तो 55 आएगा। तो मान लो यहाँ से चली थी और यहाँ पे सीमा रुक गई, तो यहाँ तक कितना होगा, ये 20 मीटर और ये 30 मीटर, तो 30 प्लस 20 कितना हो गया 50 मीटर, राइट आंसर है। अगर ये डायरेक्शन भी पूछ लेता तो ये पूर्व दिशा की तरफ गई है, ईस्ट में गई है, बट डायरेक्शन पूछा नहीं है। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से वो चुनो जो हम लोग इनकरेजमेंट को मिला के नहीं बना सकते। अब ध्यान देना एग्जाम में नहीं पे जरा फोकस करना, क्योंकि कभी कभार हमको एग्जाम में नहीं दिखता नहीं है और हम लोग आंसर कर देते हैं कि कौन सा बना सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें से बोले गए नहीं बना सकते, तो इनकरेजमेंट में कहीं भी के वर्ड नहीं आया है। ठीक है, के लेटर आया ही नहीं है, ठीक है ना, वर्ड नहीं लेटर बोलेंगे इसको, तो लेकिन नेक के अंदर के आया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम नेक को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, ये सीरीज खोजोगे तो अगला सीरीज कौन सा बनेगा, ये चीज बताओ अपने को। ठीक है, अगला कौन सा सीरीज बन रहा है, तो हम फर्स्ट फिगर में देखेंगे एस कहाँ पे है। ठीक है, सेकेंड में देखो एस कहाँ पे, क्लॉकवाइज चल रहा है, एक एक पोजिशन चेंज कर रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज एक एक पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग कहाँ पे बनना चाहिए ऐसे, इस बार हमको गाइस अगर हम इस तरीके से बनाए, तो एस देखो यहाँ पे बनना चाहिए, जो कि बी को छोड़ के सबके अंदर है। ठीक है ना, अभी देखो क्या देखते हैं हम लोग, अभी मान लो इसके बाद अगर हम देख ले ट्राइंगल, ठीक है ट्राइंगल कहाँ पे है, तो ट्राइंगल स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे है, फिर बीच में आ गया, फिर बीच के बाद देखो यहाँ पे आ गया, फिर बीच में आया, तो अभी कहाँ जाएगा, इस वाले पॉइंट पे जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आएगा, क्यों भाई, पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऊपर था फिर नीचे आया फिर यहाँ गया फिर बीच में आ गया फिर अगले पॉइंट को जा रहा, समझ में आ रहा है ना, जब भी उसको एक मतलब अपना नेक्स्ट पार्ट में जाना है तो एक बार सेंटर में आ जा रहा है। ट्रायंगल के साथ ये रूल बन रहा है कि जब भी हमको एक कहीं पोजिशन चेंज करना है तो एक बार सेंटर में जाओ फिर अपना पोजिशन चेंज करो, क्लॉकवाइज ही करो लेकिन। ठीक है ना, तो ये काम कर रहा है, तो हमने ट्राइंगल का भी निकाल लिया इस बार। अभी कहीं अगर हम प्लस के बारे में बात कर ले यहाँ पे, कि प्लस किस तरीके से चल रहा है,
तो प्लस एंटी क्लॉकवाइज है, देखो यहां से गया है कहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है वो अपने वाले ट्रायंगल में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है वो, तो इस बार फिर से यहाँ पे, तो इस बार कहाँ पे जाएगा प्लस, ये चीज खोज लो भाई, तो इस बार फिर प्लस यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब ऐसा फिगर देख लो इतना किसके अंदर बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं क्योंकि इसके अंदर ट्राइंगल गलत जगह पे है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमको डी में मिल रहा है ऐसा और ए में मिल रहा है, तो अभी क्या डिफरेंट है दोनों में, हमको सर्कल खोज लो, सर्कल किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। सर्कल को अगर खोज ले हम लोग तो वो हम लोग खोज लेते हैं जल्दी से। देखो इसमें सर्कल कहाँ पे भाई, चलो यहाँ पे ओ है, वो बोल सकते हो, ये क्लॉकवाइज फिर गया आपने ट्राइंगल पे, ठीक है, मतलब बगल वाले में गया, इस वाले में गया, ठीक है ना। अभी देखो बगल वाले में यहाँ पे चला गया, फिर देखो उसके बाद ये अपने ट्राइंगल के दूसरे कॉर्नर पे आया, फिर यहाँ पे आ गया, तो इसके बाद यहाँ पे आ जाना चाहिए, तो मतलब सर्कल यहाँ पे होना चाहिए, तो ये फॉलो कर रहा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है सर। वीडियो को ध्यान से देखोगे रोक के तो समझ में आ गया होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन 9 कह रहा है चूज द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब बाकियों से कौन सा भिन्न है उसको चुनो, ठीक है, इन बाकियों से कौन सा डिफरेंट है उसको चुन के बताओ। तो गाइस देखो इसके अंदर वीडियो को रोक के सॉल्व करो, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन बताता हूँ। अगर ये वाली फूल की जो पंखुड़ी अगर हम काउंट करें सबके अंदर, तो ऑप्शन नंबर ए में काउंट करो 3 3 6 8, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है 4, सी में है 7, डी में है 4 और ई में है 6, तो ये क्या है, एक सम संख्या है, मतलब इवेन नंबर है, 8 4 4 6, सात क्या है, विषम संख्या, तो सी में क्या है, मतलब अनपेयर है, पेयर में नहीं है, बाकी सबके अंदर पेयर में है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो इवन नंबर में नहीं है, सबके अंदर क्या है, इवन नंबर में, और सी ऑड नंबर में है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो गया, सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहा है बताओ डिस्क का वाटर इमेज, बताओ कि वाटर इमेज क्या हो गया, ठीक है ना, तो डिस्क का वाटर इमेज क्या होगा, इस वाटर इमेज जब बनाते तो दर्पण नीचे की साइड में रहता है, ठीक है, तो डिस्क का क्या होगा, डी बनेगा वहीं पे, कभी भी वाटर इमेज बनाओगे तो डी ऊपर है तो नीचे ही, जस्ट उसके नीचे बनेगा उसका इमेज, हमने पढ़ा था रीजनिंग में, नॉन वर्बल रीजनिंग में, तो डी का क्या बनेगा, जस्ट नीचे बनेगा और डी के जैसा ही बनेगा, आई का आई जैसा बनेगा, लेकिन एस इस तरीके से बनेगा, सी का सी जैसा बनेगा, ये सब हमने वाटर इमेज वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, और सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी है, ठीक है। चलो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस 10 में से 10 आपने सही किया होगा, अगर 10 में से 10 नहीं आया तो गाइस आपको टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा लगाओ और बहुत ज्यादा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपकी जो है ना एक्यूरेसी और इम्प्रूवमेंट उतना होते रहेगा आपके अंदर, और परीक्षा ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, एग्जाम एटोजेट कोड फिल कर दोगे तो 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ वीडियो को लाइक करके जाना और वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, बाय बाय।